बागपत के बालेनी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आ रहे हैं। बालेनी के कृष्णा कॉलेज के ग्राउंड में दोनों नेता किसान आभार रैली को संबोधित करेंगे और वहीं से मेरठ बहालगढ़ नेशनल हाईवे का शिलान्यास भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री की रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभा पर पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम और नितिन गडकरी दोपहर के समय पहुँच जाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं बागपत के बालेनी के श्री कृष्णा यमुना इंटर कॉलेज में, जहां आज लगभग 2:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सुबह के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे और मंच से मेरठ से सोनीपत बनने वाले 334B राष्ट्रीय राजमार्ग का बागपत की जनता को तोहफा देंगे। मौसम मिजाज है, बारिश की संभावना है, लेकिन उसके बाद भी जनता पहुंचनी शुरू हो गई है। सुरक्षा की यदि बात करें तो सुरक्षा यहां हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। भव्य मंच, जो एक मंच जिससे घोषणा होगी बागपत की जनता को तोहफा जाएगा, वह पूरी तरह से सज चुका है, तैयार हो चुका है। स्वयं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह यहाँ निरीक्षण कर चुके हैं, वह भी मौजूद रहेंगे।